हो सकता है कि यहाँ बहुत से मेरी लाइफ से और मेरी स्ट्रगल्स से आप में से जो बैठे हैं कोई इंस्पायर होके जाए। मेरी लाइफ का एक ही गोल था कि मैं डॉक्टर बनूं, जैसे बिल्कुल जैसे द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन से पूछा था कि भाई चिड़िया क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें पेड़ पर, तो उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की पुतली दिखाई दे रही है। उसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ में गोल बनाया कि मुझे केवल डॉक्टर बनना है और कुछ नहीं बनना है। आई एम डॉक्टर शोभा तोमर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मुरादाबाद को मैं बिलोंग करती हूँ जो यूपी के अंदर आता है। मेरी फैमिली बहुत वैसी थी, वहाँ लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। जब मेरी माँ की शादी हुई थी तो वो हाई स्कूल पढ़ी हुई थी, लेकिन मेरी माँ की पढ़ने की इच्छा थी तो मेरे फादर ने उनको सपोर्ट किया। उन्होंने 12वीं पास की, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की और वो डीएवी कॉलेज में एज ए वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी होकर रिटायर हुई। तो उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिली। मेरा बचपन सीखा, एक तो मैं पंक्चुअलिटी थी और दूसरा मैं खूब पढ़ती थी। हमारा स्कूल जो था वो हिंदी मीडियम का स्कूल था, टाट पट्टी वाला स्कूल था, उस पर हम तख्ती लेकर जाते थे, उस पर हम खड़िया मिट्टी से लकीरें खींचते थे, बुदक्के से कलम से लिखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जब छुट्टी होती थी स्कूल की तो हम वो चूरन मिलता था उसमें आग लगा के वो भी खाते थे, साथ साथ खेल भी खेलते थे, इक्कड़ दुक्कड़ खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग भी खूब उड़ाते थे, गुड़िया गुट्टों का खेल भी करते थे, उनकी शादियाँ भी खूब बताते थे। हमारे घर में एक बस एक कमरे में एक बल्ब था और एक पंखा था और रिक्रिएशन के नाम पर एक छोटा सा रेडियो था जिसको हम हर बुध के दिन बिना का गीतमाला सुनते थे। टीवी के अलावा तो कुछ था ही नहीं उस समय, और ये कूलर और एसी भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन शाम के समय गर्मियों में ऊपर छत पर हम नीचे बिस्तर बिछाते थे, उस पर पानी से छिड़काव कर लिया, उसके ऊपर जो सोते थे वो क्या आपको एसी में नींद आती थी। इस तरीके से हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई करते करते 12वीं पास कर ली। अब क्योंकि बनना तो डॉक्टर था, यूपी में कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, उसमें हम बैठे और बैठकर मेहनत तो बहुत करी है मैंने, और बैठकर उसमें मेरा जो मेरिट लिस्ट थी उसमें मेरा ऊपर में नंबर आ गया। मेरे को 100 रुपये महीने का स्कॉलरशिप भी मिलता था उस समय, और मेरे को लखनऊ में किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। साहब हम चले गए पढ़ने के लिए, उस समय मेरी उम्र 16.5 साल के करीब की थी। अब चले तो गए, यहाँ तो हम हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़े थे, वहाँ तो सारी इंग्लिश पूरा इंग्लिश मीडियम। रात को रैगिंग होती थी, लड़कियाँ बहुत परेशान करती थी। फिर एनाटॉमी में हमें डिसेक्शन मिल गया, पूरा खूब बड़ा एक हॉल था, उसके अंदर 80 डेड बॉडीज लेटी हुई थी। और फिजियोलॉजी में हमको कुत्ता मिल गया और मेहनत मिल गया। अब जब डिसेक्शन करें तो रात को हम शाम को जब आएँ तो अपने हाथों को सूंघें, हाथ की बदबू के मारे बुरा हाल। आजकल तो हम बच्चों को अपने ग्लव्स दे देते हैं, उस समय तो ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। अब क्या करें, हम तो सोच रहे थे कि हमने अपना जो गोल था कि हम डॉक्टर बनेंगे ये तो हमारा मुश्किल में आ गया, लेकिन डॉक्टर तो बनना था, क्या करें। फिर हम क्या करा मैंने कि शाम को जब 5 बजे हॉस्टल में आती थी तो मैं उस समय नहाती थी और हाथों को खुशबूदार साबुन से खूब रगड़ रगड़ के धोती थी और खाना खा के सो जाती थी, और सोकर डेली 5 से 7 बजे तक मैं डेली पढ़ती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जो मेरी और जिस दिन जो पढ़ाई अगले दिन करा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, मैं घर पर पहले से पढ़ती जाती थी हॉस्टल में, फिर पढ़ी और आके फिर पढ़ती थी, तो मेरा सारा वो डर खत्म हो गया और मेरे को इंग्लिश भी समझ में आने लगी और मैं पढ़ाई में होशियार हो गई। ये दिन पे दिन मैं ऐसे होशियार होती गई, पढ़ती चली गई, मैं कभी फेल नहीं हुई, अच्छे नंबर से पास हुई और 4.5 साल का कोर्स मैंने 4.5 साल में ही पास कर लिया। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करी। इंटर्नशिप में जो पहली पे मुझे मिली 200 रुपये की थी, मैं सबसे पहले उससे एक तो अपनी माँ के लिए साड़ी लाई और एक मैंने सितार खरीदा, क्योंकि मैंने सितार की मैं शौक हूँ, आजकल मैं पियानो भी सीख रही हूँ। उसके बाद पीजी करी। पीजी में उस समय एग्ज़ाम नहीं होता था लेकिन मेरिट के ऊपर आपको सिलेक्शन होता था, तो मेरा लखनऊ में KGMC में गायनी ऑप्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2.5 महीने पढ़ी, फिर सोचा कि PGI चंडीगढ़ में भी निकली थी तो हमने वहाँ भी अप्लाई कर दिया, पहुँच गए वहाँ देने के लिए इंटरव्यू। तो वहाँ जो डायरेक्टर थे डॉक्टर चुतानी वो बैठे हुए थे, जब मैं गई तो वो मेरा फॉर्म देख के बोले तूने एक ही चॉइस लिखी है गायनी की,
और नहीं भरी, मैंने कहा नहीं, बोले अगर मैंने तो ये नहीं दिया तो फिर क्या करेगी, मैंने कहा नहीं दोगे तो मत दो, मेरा तो लखनऊ में तो हो ही गया सिलेक्शन। बोले अरे कुड़ी बड़ी सोनी है, तूने कहाँ से किया है? मैंने कहा सर मैंने लखनऊ से किया है, KGMC से। बोले किस जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से? मैंने कहा हाँ। तो बोले ये कहो ना मैंने भी वहीं से किया है। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा ही हुआ। मैंने उनसे कहा सर मेरे पीछे जो लाइन लगी हुई है ना 150-200 की, ये मेरे पीछे हैं, मैं मेरिट में फर्स्ट नंबर हूँ, तो जो मैंने कहा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे वहाँ भी मेरा एडमिशन हो गया ऑप्स में। उसके बाद शादी हो गई, शादी होकर हम ग्वालियर आ गए। मेरे हस्बैंड भी पीडियाट्रिशियन है, ये डॉक्टर साहब को यहाँ सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जेटलॉन में उनका पोस्टिंग हो गई। हम भी गवर्नमेंट जॉब में आ गए, RPSC दे डाली, RPSC में भी सिलेक्शन हो गया। RPSC में जब मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए तो मेरे दो छोटे बच्चे थे, एक सोए एक उठे, एक जगह एक सोए, मैं पढ़ाई तो बिल्कुल कर ही नहीं पाती थी। वहाँ इंटरव्यू में डॉक्टर बैठे हुए थे, मैं भी नाम भूल गई उनका, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने ब्रेस्ट अपसेस ड्रेन किया है? तो मुझे अपने फोर्थ सेमिस्टर वाली बात याद आ गई। मैंने कहा यस सर मैंने किया है। बोले क्या करेंगे? मैंने सारा बताया और लास्ट में बताया कि इसमें हम कोरिगेटेड ड्रेन डालेंगे। बड़े खुश हुए, बोले कह रहे देखो हमारे कितने स्टूडेंट्स आए, सब MS MD कर हुए थे, किसी ने ये जवाब नहीं दिया, तुम कहाँ से पढ़ी हो? तो मैंने कहा कि सर मैंने जो है लखनऊ से किया हुआ। तो हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी थी, मेडिकल की पढ़ाई में कभी रट्टा नहीं लगता, समझ समझ के करनी चाहिए। तो मैं उस समय तो इंटरव्यू के समय तो पढ़ी नहीं पाई थी, लेकिन जब मैंने फोर्थ सेमेस्टर में एक पेशेंट का ब्रेस्ट एब्सेस ड्रेन किया था तो मेरे को वही सब बात याद आ गई। तो मेरा इसलिए RPSC में भी अच्छे रैंक पर सिलेक्शन हो गया। जिंदगी चलती रही, पढ़ते रहे, सर्विस करती रही, बच्चे हो गए, मेरी तीन लड़कियाँ एक लड़का है। जब ये देखा गया है कि जब हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत बिजी होती है तो उनके बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मैंने बच्चों की लाइफ से कभी वो नहीं किया। हमेशा डेली 7-9 का समय मेरा बच्चों से होता था और संडे को आधा दिन देती थी। मेरे तीनों लड़कियाँ और बच्चा चारों के चारों पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उनके काउंटर पार्ट्स भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं और सबके सब यही नीम्स में काम कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वगैरह। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में थी तो मुझे एक साल के लिए लंदन जाने का भी डेपुटेशन मिला। लंदन से मैंने किंग्स कॉलेज लंदन में, वहाँ भी किंग्स कॉलेज था, तो मेरे को IVF में एडमिशन मिल गया, जिसको कि आप आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया तो मैंने देखा कि अगर 100 पेशेंट जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो उसमें 33% में मेनली लड़कियों लेडीज़ में खराबी रहती है, 33% में प्योर जेंट्स में रहती है और 33% में मेल और फीमेल में रहती है। वहाँ भी मेरी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि जितने भी पाकी कहते थे ये इंडियंस को, पाकिस्तान को और जो बाकी थे उनको इतनी ज़्यादा वो नहीं देते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन सबके सब पेशेंट मेरे पास इतनी भीड़ लगी थी, मैं वहाँ भी बड़ी खुश थी। जब मैं वहाँ से लौटकर एक साल बाद इंडिया आई तो मैंने सोचा मैंने ये IVF का देख तो लिया है लेकिन मैं करूँगी क्या वहाँ पर, तो मेरे पास ये सोनोग्राफी की मशीन ही नहीं है। उस समय इंडिया में IVF इतना प्रचलित नहीं था, केवल बॉम्बे में डॉक्टर हिंदुजा करती थी और वो मेडिसिन भी वहाँ से फ्रांस से आती थी, इटली से आती थी। खैर मैं सोनोग्राफी मशीन लेकर आई, लेकिन क्योंकि बीइंग इन गवर्नमेंट जॉब में थी तो IVF सेंटर तो खोल नहीं पा सकती थी और ये एक टीम वर्क का काम होता है। फिर 1998 में यहाँ पर हमारी सरकार ने कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स में भी मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, तो बस डॉक्टर साहब तो पीछे पड़ गए, बोले अब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मैंने कहा चलिए खोलते हैं। बोले खोलेंगे तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही, और कहीं जमीन मिल लेंगे। सुबह 4 बजे जाते थे हम दोनों के दोनों, देख रहे हैं। फिर यहाँ से अचवाल तक की जो जमीन थी, बहुत सारी जमीनें ये सारी SC ST की हुआ करती थी तो खरीद ही नहीं सकते हैं। फिर अचवाल में जाके हमको जमीन मिली, जमीन बिल्कुल बंजर ऊबड़ खाबड़ सी जमीन थी। खैर जमीन ले ली हमने, उसे क्लीन कराया, सब हॉस्पिटल बनाया उसमें, दिन रात मेहनत करके। फिर 2 जुलाई 2000 को हमारे उस समय मुख्यमंत्री जी थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने इसकी नींव रखी, उन्होंने ये पौधा लगाया। आज भी जब कभी गहलोत साहब मुझे मिल जाते हैं तो कहते हैं और मिसिस तोमर आपका नीम्स कैसा चल रहा है, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि सर पौधा तो आप ही नहीं लगाया था, हम तो उसको सींच रहे हैं। और देखिए आज वो सींचते सींचते वो पौधा हमारा 21 साल का हो गया है, एक वयस्क हो गया है, हमारा एक बट वृक्ष बन गया है। जो हमने हॉस्पिटल 300 बेडेड का बनाया था आज वो 1500 से ज़्यादा बेडेड का हो गया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। हमारे यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट,
हार्ट की सारी सर्जरीज होती है और बाकी तो सारे ऑपरेशन होते ही रहते हैं। हमको यहाँ सबसे पहले परमिशन मिली नर्सिंग कॉलेज की, उसके बाद हमको परमिशन मिली मेडिकल कॉलेज की, उसके बाद डेंटल कॉलेज की, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज की, एमबीए कॉलेज की, पैरामेडिकल्स की। हमने यहाँ पर नीड इंडिया भी बनाई है, नीड इंडिया वाले आए हैं, बहुत बड़ा हमारा स्टूडियो, आप आके कभी देखिएगा। फिर हमने बच्चों का स्कूल भी खोला जो कि केजी से 12th तक का है, ये हमारा सीबीएसई से अप्रूव्ड है। हमने पहले ये स्कूल खोला था अपने यहाँ की जितनी फैकल्टी है उनके बच्चों को, क्योंकि जयपुर आना पड़ता था, दूर पड़ता था, उन बच्चों के लिए खोला था। लेकिन आसपास के गांव वाले सवाने लगे हमारे यहाँ, तो वो कहने लगे देखो हमारे बच्चे तो मंजन करना सीख गए हैं, अरे और तो और अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं। हम बच्चों को उनको नाश्ता भी देते हैं, गुड़ चना खिलाते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें हमने अपने जितनी भी हमारे यहाँ फीमेल डिलीवरीज होती हैं, बेबीज होती हैं, उनको मैं केजी से 12th तक की शिक्षा अपने यहाँ फ्री देती हूँ। और अभी हमने 2-3 महीने से शुरू करा, भैया लड़कियाँ ही क्यों, लड़के पीछे तो नहीं है, क्योंकि मेरी कुछ पेशेंट ने शिकायत करी थी कि मैडम आपने लड़कियों को तो इतना कर दिया। मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब से मालूम करके, मैंने कहा कुछ तो लेती हूँ भाई हाई कमांड से, तो लड़कों को भी हमने फ्री कर दिया है। तो जितने भी लड़के हमारे यहाँ डिलीवरी होंगी निम्स में, तो उनको केजी से 12th तक की शिक्षा फ्री है। हमारा तो 12th का और हाई स्कूल का बैच भी निकल चुका है। वहाँ हमारे खोलने से ये हुआ है कि जितने भी आसपास के गांव वाले हैं सब, जैसी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार हम उनको बॉर्ड बॉय हैं, चपरासी हैं, गार्ड हैं, स्वीपर्स हैं, माली हैं, इन सबको हमने सर्विस दे रखी है। और तो गांव का पानी अच्छा नहीं, पूरा गांव हमारे निम्स का पानी पीता है। तो इस तरीके से चलता रहा है। जब हमने जो है अब हमें सबसे पहले जो MBBS की 100 सीटों की परमिशन मिली, उसके बाद 150 की परमिशन मिल गई। MD, MS, DM, MCH सारी ब्रांचेस हैं। BDS में भी 100 सीटें हमारी BDS की हैं और करीब 30 सीटें MDS की हैं। कोरोना काल में हमने बहुत बड़ी हमारी कोविड लैब है और कोविड लैब में भी हमने बहुतों के पेशेंट्स के फ्री में जांच करी है, बहुतों से 50% किया है, चाहे वो सेकेंड लहर हो या फर्स्ट लहर हो कोरोना की। हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेस ने बड़ी मेहनत की है, बहुत पेशेंट्स को बचाया है इसमें। लेकिन सेकेंड लेयर में हमने अपने कुछ ऑफिसर्स, कुछ स्टाफ को भी दिया है, उसमें सब एक बड़े डे वन से जुड़े हुए थे हमसे, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, उनको हम नहीं बचा पाए, उनको खो भी दिया है। मुझे सेकेंड लहर की बात एक बार याद आ रही है, शाम के 6 के करीब मेरे पास अरुण चतुर्वेदी जी का फ़ोन आता है कि मैडम मेरे को एक पेशेंट को आपके यहाँ भर्ती कराना है। मैंने कहा सर, मैंने बात करी, उन्होंने कहा मैडम एक भी बेड खाली नहीं है। मैंने कहा देना तो पड़ेगा कहीं से भी, तो बोले अच्छा आप उनसे कह दीजिएगा कि 1 बाद खाली हो जाएगा। मैंने उनसे कह दिया कि सर 1 बाद खाली हो जाएगा, उनको भी सबर नहीं। 1 बाद फिर फोन आ गया, मैंने फिर फ़ोन करा, मैंने कहा भाई 1 हो गया बेड खाली क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैडम अभी 1 और लगेगा। ऐसे होता ना, फिर मैंने कहा 1 हो गया क्यों नहीं होगा, तो वो कहता है जैसे मैडम इस मरीज को मरने तो दो तभी तो बेड खाली होगा। सच में मेरे को इतना बुरा लगा, सेकंड लहर ने इतनी कैजुअलिटी हुई है। फिर मैंने अरुण जी से कहा, मैंने कहा सर आप मेडिकल कॉलेज में जो है यहाँ पर भर्ती कर लीजिए, वो तो ये कह रहा है पहले मरीज को मरने तो दो तभी तो बेड खाली होगा। तो सेकंड लहर में बड़े पेशेंट्स को हमने खोया है। हमारे यहाँ पहले एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ था, उसमें करीब 280 सिलेंडर्स बनते थे ऑक्सीजन के। हमें ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आई, हमारी सरकार ने भी बहुत मदद की है और अब हमारे पास एक ऑक्सीजन का प्लांट और है। तो ये इतना बड़ा जो साम्राज्य देख रहे हैं ये एक दिन का नहीं बना है और ये कोई मुझे विरासत में नहीं मिला है, ये मैंने अपनी मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए, कर रही हूँ और करती रहूँगी मैं। मेरे को बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं, मेरे को अवार्ड्स मिले हैं। मेरे को सबसे पहले भास्कर ने ही आपको दिया था, लीडिंग लेडी ऑफ राजस्थान, मेरे को भास्कर ने ये अवार्ड दिया था। आज भी मैंने भास्कर की पूरी मैंने 3-4 अखबार रख रखे हैं उसमें वो है, क्योंकि जिस समय मैंने CPMT में टॉप किया था तो मैंने अखबार में खबर आई थी, तो वो मैंने अखबार की इतनी सी कटिंग रख रखी थी क्योंकि उस समय अकल नहीं थी। मैं सोचती अगर मैं ट्रिब्यून में निकला था तो मैं सोचती थी अगर अखबार की मैं कटिंग रखती तो अच्छा रहता, तो मैंने आपकी भास्कर की पूरा अखबार रख रखा। उसके बाद मुझे वसुंधरा जी ने जब चीफ मिनिस्टर थी यहाँ की तो उन्होंने मुझे वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड दिया। मुझे महात्मा गांधी अवार्ड लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड लंदन से मिल चुका है। मुझे महात्मा गांधी राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है मेरे को। अभी रघु शर्मा जी ने मुझे बेस्ट डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट अवार्ड दिया है।
इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड हैं जो मिलते रहते हैं मिलते। लेकिन अभी मेरा एक और वो है कि मैं एक ओल्ड एज होम बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए अभी मेरी ज़िंदगी अभी यहीं पर नहीं रुकी है। मैं अभी भी सुबह 5 बजे से मेरी लाइफ शुरू होती है और रात को 11 बजे तक ख़त्म होती है। जब कभी इंस्पेक्शन होता है, कुछ होता है, तो पूरी पूरी रात जग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी NDMS ऐसी मिल गई है, ऐसा नहीं होता है। अभी कल भी हमारे यहाँ इंक्रीज ऑफ सीट फॉर गाइनी MS का था, इंस्पेक्शन था। सुबह 6 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी, रात को 10 बजे तक आई हूँ मैं और आज आपके सामने खड़ी हूँ। थैंक यू।